नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 7, बालक का स्वप्न। बालक का स्वप्न एक लड़के की कहानी है। आधी कहानी हमने पढ़ी थी, इसके आगे की कहानी है वो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ है, पहले उन कठिन शब्द अर्थों को हम देखेंगे। पहला हमारा है कन्या। कन्या का अर्थ होता है लड़की। सनसनी फैलना, सनसनी फैलना का अर्थ होता है खबर फैल जाना। प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है बड़ाई करना। मुक्त करना, मुक्त करना का अर्थ होता है स्वतंत्र करना या छोड़ देना। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति का अर्थ होता है स्थायी संपत्ति। विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा। प्रातःकाल, प्रातःकाल कहते हैं सुबह के समय को। उपस्थित, उपस्थित का अर्थ होता है मौजूद। सज्जित कक्ष, सज्जित कक्ष का अर्थ होता है सजा धजा कमरा या ऐसा कमरा जो कि सजाया गया हो। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। वशीभूत, वशीभूत का अर्थ होता है वश में होकर या वश में करना। योजनाबद्ध, योजनाबद्ध का अर्थ होता है योजना के अनुसार कार्य करना। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ होता है श्रद्धा आस्था। कर्म, कर्म का अर्थ होता है कार्य। दृश्य, जो दिखाई दे रहा हो वो दृश्य कहलाता है। अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ होता है अलग या भिन्न। तो ये तो थे पाठ में आए कुछ कठिन शब्द अर्थ। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करें तो एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। साथ ही इस कहानी में ये बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटा बालक एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए कुछ बनने का सपना देखता है और सेठ के यहाँ से नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। उसको सेठ नौकरी से क्यों निकालता है? क्योंकि सेठ उसे पूछते हैं कि रात को जब सपने में चिल्ला उठता है तो सेठ पूछता है कि बताओ उसने क्या सपना देखा, तो वह बताने के लिए मना कर देता है और अपना अध्ययन चालू करता है। तो उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहाँ से भी निकाल दिए जाने के बाद वह राजा के यहाँ पर एक साधारण नौकर बनकर के कार्य करता है और साधारण नौकर से वह एक मंत्री के रूप में राजा के यहाँ नौकरी करने लग जाता है। अब इसके आगे की कहानी है वो हम अब पढ़ेंगे। अकस्मात यानी कि अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो वह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। यानी कि जिस राजा के यहाँ पे वो लड़का नौकरी करता है वहाँ पे एक दिन वह जमींदार आ जाता है और कहता है, वो इसको सारी बात बता देता है कि भाई इसने एक स्वप्न देखा था और ये बता नहीं रहा है। तो फिर से राजा भी उसे वही धमकी देता है कि या तो आप अपने स्वप्न की बात बताइए नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न की बात बताने से इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कि वो बात नहीं बताएगा। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी और पूछवाया कि इनमें से कौन सी माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या का कोई हल नहीं हो सका। क्या हुआ कि जो दूसरा राजा था उसने अधिकार अपने इस राज्य पर अधिकार जमाने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी थी और ये प्रश्न किया था कि इसमें से ये बताना है कि कौन सी माँ और कौन सी बेटी है। और सभी ने अपना अपनी बुद्धि लगाई लेकिन कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसी वह माँ है
और जो पीछे चलेगी वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इससे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। क्या हुआ, दूसरे राजा ने दो तीन प्रश्न पूछे और उस लड़के ने उसके प्रश्नों को हल कर दिया। तो राजा ने ये कहा कि जो लड़का इन प्रश्नों को हल करेगा उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दे दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं और जमींदार तथा सेठ के सभी को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। जब वह सब वहाँ पर उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे हुए थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास में बैठे थे। क्या हुआ कि जब लड़का को उसकी राजा की कन्या के साथ में लड़की का विवाह हो गया और उसके आधी से ज़्यादा संपत्ति है जो कि उसके नाम कर दी, तो उस लड़के ने सभी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया और सब लोगों ने देखा कि वह एक सुसज्जित यानी कि एक सजे हुए कमरे में बैठा है और उनकी पत्नी है जो कि उनके पैर दबा रही है क्योंकि वह राजा बन चुका था। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय देख रहे हैं मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्ला उठा। अहो मेरा ऐसा भाग्य, मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा न होने देता। हो सकता है कि ईर्ष्या लोभ और अपमान के वशीभूत हो आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण रूप पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म कठोरता लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो किस प्रकार एक छोटे से लड़के ने जो स्वप्न देखा था उसने स्वप्न किसी को बताया नहीं और साथ ही अपना अध्ययन चालू रखा और अध्ययन के साथ साथ योजनाबद्ध तरीके से उसने अपने स्वप्न को पूरा किया और वह राजा बन गया। तो ये थी निरुपमा कश्यप के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। आइए इस कहानी हमने जो पढ़ी थी उसके कुछ प्रश्न मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। पहला हमारा प्रश्न है, राजा ने मंत्री को कैद खाने में क्यों डाल दिया? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मंत्री के द्वारा स्वप्न की बात बताने से इनकार करने के कारण राजा ने उसे कैद खाने में डाल दिया। दूसरा प्रश्न है हमारा, मंत्री बनने से पहले वह लड़का राजा के यहाँ क्या काम करता था? तो मंत्री बनने से पहले वह राजा के यहाँ पर एक साधारण नौकर था। इस प्रकार हमने एक कहानी पढ़ी और इस कहानी में इस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।